नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। आज हम आपको एक दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बताएंगे जो कैमूर जिले से सामने आई है। एक शादीशुदा महिला ने दो प्रेमियों के बीच के विवाद को लेकर अपने पहले प्रेमी की हत्या करवा दी। आखिर ऐसा क्या हो गया जो महिला को ये कदम उठाना पड़ा? क्या उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा था या फिर कोई और ही वजह थी? आइए जानते हैं पूरी घटना। कहानी की शुरुआत 7 सितंबर को प्रयागराज के मेजा थाने से होती है, जब अभिषेक पांडे के चाचा दिनेश चंद्र पांडे ने अभिषेक के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। अब आपके दिमाग में आएगा कि कौन है अभिषेक पांडे। हम आगे बताएंगे कि कौन है अभिषेक। पहले जानिए कि 7 सितंबर के अगले दिन 8 सितंबर को क्या हुआ। मामले में मोहनिया थाना में अपहरण का मामला दर्ज होता है और पुलिस मामले की जाँच शुरू कर देती है। जब जांच शुरू होती है तो पता चलता है कि अभिषेक तो कब का मर चुका है। जांच में आगे जानकारी मिली कि अभिषेक की मौत का कारण एक प्रेम कहानी है। अभिषेक जो मोहनिया में चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था, एक शादीशुदा महिला सुनीता के साथ प्रेम प्रसंग में था। सुनीता और अभिषेक के बीच 2 साल तक प्रेम संबंध थे। हालांकि अभिषेक की शादी किसी और से हो गई थी और वह अपनी पत्नी के साथ एक नए मकान में रहने लगा था, लेकिन सुनीता के साथ उसका प्रेम प्रसंग जारी रहा। इसी दौरान सुनीता की जिंदगी में एक नया बॉयफ्रेंड आ गया, जो झारखंड के गढ़वा का कुख्यात अपराधी कलामुद्दीन था। सुनीता ने अब अभिषेक को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अभिषेक के लगातार फोन करने से परेशान होकर सुनीता ने अपने नए प्रेमी से मिलकर अभिषेक को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया, जिसके बाद 6 सितंबर को सुनीता ने अभिषेक को गाड़ी फाइनेंस कराने और घूमने के बहाने मोहनिया के नबीनगर ले जाने के लिए बुलाया। वहां पहले से सुनीता का प्रेमी कलामुद्दीन और उसका दोस्त मौजूद था। सुनीता ने अभिषेक को उनके साथ बाइक में जाने को कहा और वापस मोहनिया लौट आई, जिसके बाद 7 सितंबर को सुनीता ने अपने प्रेमी से बात की, जिसने बताया कि अभिषेक को मारकर कोयल नदी में फेंक दिया गया है। 14 सितंबर को अभिषेक पांडे का शव नबीनगर औरंगाबाद नहर में मिला। वहीं इस मामले में मोहनिया डीएसपी दिलीप कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि मृता के चाचा की शिकायत के बाद पुलिस ने एक टीम गठित की और वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चला कि यह हत्या प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। पुलिस को संदेह है कि हत्या के पीछे पैसे का विवाद हो सकता है। सुनीता पर आरोप है कि उसने पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की योजना बनाई। हालांकि पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की है और मृतक के आई कार्ड, बैंक चेकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, बाइक और हेलमेट को बरामद कर लिया। खुलासा ये है कि ये महिला का, ये जो मिसिंग पर्सन है अभिषेक पांडे, इनसे अवैध संबंध है बहुत दिन से, बहुत साल से। सूचना ये भी मिला कि पहले ये लोग एक ही मकान में रहा करते थे, ऊपर नीचे, तो उस समय रिलेशन जो भी डेवलप हुआ होगा। आज अभिषेक पांडे की शादी वादी हो गई, वो दूसरे मकान में चले गए, लेकिन वो संबंध अभी भी बरकरार था। और महिला ने ही प्लान करके, महिला का संबंध किसी तरीके से गढ़वा के कुछ क्रिमिनल से हो गया और महिला जो है लगातार क्रिमिनल से संपर्क में थी और अभिषेक पांडे से भी संपर्क में थी। और अभिषेक पांडे को, अब तो अभिषेक नहीं रहे, उनकी डेड बॉडी मिली है हम लोगों को, तो महिला जो बता रही है वो अभी भी बहुत मतलब सच नहीं बोल रही है। महिला का ये कहना था कि हमको ये परेशान करता था, जो पिछले संबंध था उसको लेकर के, और इस वजह से हम चाहते थे कि इसको हम छुटवाएँ, लेकिन उनकी बात में सत्यता नहीं है। अभिषेक पांडे जो थे काफ़ी मेजोर पर्सन थे, इतना दिन से कंपनी का काम करते थे, तो उनकी बात जो है, महिला जो है उनकी बात पूरी तरह से सत्य हम लोगों को नहीं प्रतीत होता है। जो हमारा पुलिस का अनुसंधान है उससे हम लोग यही अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो आपस में लोगों का कुछ पैसे का लेन देन हुआ होगा, अभिषेक पांडे इनको पैसे वैसे दिए होंगे और ये मांग करते होंगे, तो महिला ये सोची होगी कि अब पैसा वापस क्या करना है, इनको ठिकाने ही लगवा देते हैं। बहरहाल इस मामले में प्रेमिका सुनीता की गिरफ्तारी और न्याय की प्रक्रिया की अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।